शनिवार को सुबह स्वच्छ भारत को लेकर पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। सिटी पुलिस ने इस अभियान को लेकर साडा जलंधर सोना जलंधर का स्लोगन भी दिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर पौधे लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उनकी ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसी दौरान बताया कि सिटी पुलिस की तरफ से सभी थानों में पौधे लगाने का अभियान चलाया गया है, जिसमें एक एनजीओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब वन विभाग और जलंधर फुलकारी महिलाओं के सहयोग में यह संयुक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि इन पौधों को लगाने के लिए पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों सहित 20 स्थानों का चयन किया गया। श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य व्यापक भागीदार एवं प्रभाव सुनिश्चित कर शहर में हरियाली को बढ़ावा देना है। पुलिस आयुक्त ने शहर की हरियाली को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भरपूर प्रयास करे। आप भी डालें इस वीडियो पर एक नज़र। सुबह स्वच्छ भारत को लेकर पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। सिटी पुलिस ने इस अभियान को लेकर साडा जलंधर सोना जलंधर का स्लोगन भी दिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर पौधे लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उनकी ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसी दौरान बताया कि सिटी पुलिस की तरफ से सभी थानों में पौधे लगाने का अभियान चलाया गया है, जिसमें एक एनजीओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब वन विभाग और जलंधर फुलकारी महिलाओं के सहयोग में यह संयुक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि इन पौधों को लगाने के लिए पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों सहित 20 स्थानों का चयन किया गया। श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य व्यापक भागीदार एवं प्रभाव सुनिश्चित कर शहर में हरियाली को बढ़ावा देना है। पुलिस आयुक्त ने शहर की हरियाली को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भरपूर प्रयास करे। आप भी डालें इस वीडियो पर एक नज़र। सुबह स्वच्छ भारत को लेकर पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। सिटी पुलिस ने इस अभियान को लेकर साडा जलंधर सोना जलंधर का स्लोगन भी दिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर पौधे लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उनकी ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने इसी दौरान बताया कि सिटी पुलिस की तरफ से सभी थानों में पौधे लगाने का अभियान चलाया गया है, जिसमें एक एनजीओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त ने कहा है कि कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब वन विभाग और जलंधर फुलकारी महिलाओं के सहयोग में यह संयुक्त अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि इन पौधों को लगाने के लिए पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों सहित 20 स्थानों का चयन किया गया। श्री स्वपन शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य व्यापक भागीदार एवं प्रभाव सुनिश्चित कर शहर में हरियाली को बढ़ावा देना है। पुलिस आयुक्त ने शहर की हरियाली को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भरपूर प्रयास करे। आप भी डालें इस वीडियो पर एक नज़र।